मामला तहसील भोगनीपुर ब्लॉक अमरौधा क्षेत्र के नवादपुर गांव का है, जहां बरसात लगने के दौरान ग्राम प्रधान द्वारा विकास के नाम पर डाले जा रहे रोड में मानक विहीन कार्य करते हुए रोड डाल दिया गया। मानक विहीन कार्य का गांव के ग्रामीणों ने जमकर विरोध करते हुए प्रधान से तीखी नोकझोंक की, लेकिन दबंग प्रधान के आगे ग्रामीणों की नहीं चली। आपको बता दें कि प्रधान ने इंटरलॉकिंग रोड डलवा दिया, जहां बरसात होने पर रोड में जल भराव की स्थिति बन गई और पानी लोगों के घर में घुसने लगा, जिससे नाराज गांव के ग्रामीणों ने विकास के नाम पर आए हुए रुपए में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा काटा, जहां जानकारी मिलने पर मीडिया के कैमरों में ग्रामीणों का दर्द निकलकर सामने आया, जब मानक विहीन गांव के विकास के नाम पर ग्राम प्रधान से बात की गई तो गोलमाल जवाब देते हुए मीडिया से बचते नजर आए। आपको बता दें कि जहां एक ओर सूबे की योगी सरकार विकास के नाम पर सभी ग्राम पंचायतों को मुट्ठी भर भर के पैसे दे रही है, वहीं उनकी ही सरकार में ग्राम प्रधान मानक विहीन कार्य कराकर अपनी जेबें गर्म करने में लगी हुई हैं। तो वहीं देखने वाली बात होगी कि सूबे की योगी सरकार के उच्च आला अधिकारी इस भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे इस प्रधान पर क्या कार्यवाही करते हैं, या यूं ही भ्रष्टाचार के दलदल में लगातार ग्राम प्रधान के गांव में ग्रामीणों का शोषण करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तहसील भोगनी क्षेत्र के अमरौधा ब्लॉक के नवादपुर गांव में आए हुए, जहां पर कश्मीर की समस्या को लेकर देख सकते हैं मेरे कैमरे पीछे किस तरीके से गांव के लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए, ये रोड अभी ग्राम प्रधान के द्वारा डाला गया है, ये लगातार रोड की कंडीशन देख सकते हैं, जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री लगातार गांव के विकास को लेकर मुट्ठी भर भर के पैसा देते हैं, लेकिन अगर बात की जाए यहां पर मानक विहीन कार्य कराकर यहां पर सरकारी पैसे दबन का आरोप लगा, लगातार मेरे कैमरे देख सकते हैं किस तरीके से ये रोड की कंडीशन देख सकते हैं कि ये दिखाइए, ये रोड की वो कंडीशन कर दी है कि यहाँ पर अभी इंटरलॉकिंग रोड कुछ ही दिनों पहले डाला गया, लेकिन बरसात अभी हुई भी नहीं है, हल्का हल्की बूंदाबांदी हुई है, ये लगातार कंडीशन देख सकते हैं। मैं कैमरा साथी कहना चाहूँ मेरे साथ आए और ये नजारा दिखाए, बात की अब ये मानक विहीन कार नजर आ रहा है सूबे की योगी सरकार के दौरान, यहाँ पर यहाँ ग्राम प्रधान से बात करेंगे क्या मामला रहा और क्या कमियां बनी रही यहाँ पर की ये मानक विहीन कार लगातार देख सकते हैं, ये रोड अभी 8 दिन पहले ही डाला गया है और अभी भी ये काम अधूरा है, और साथ में ये देख सकते हैं 8 दिन पहले रोड डला लेकिन ये बैठ गया, एक तरफ पानी भरे हुए दोनों तरफ, ये देख सकते हैं दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां अमरौधा ब्लॉक के नवादपुर गांव में ये पूरा मामला निकल गया, सरकारी रुपए का इस तरीके से गबन किया गया, जहां पर नाराजगी दिखाते हुए यहां गांव के सैकड़ों लोग मौजूद है, लगातार मेरे कैमरे देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर नाराजगी थी और यहाँ के सबसे अच्छे व्यक्ति जो प्रधान पद पे बैठे हैं इनसे बात करेंगे क्या मामला रहा कि गांव के प्रथम नागरिक का दर्जा लिए हैं लेकिन गांव के हित को लेकर किए गए कार्य आज मानक भी नजर क्यों आ रहे हैं, ये क्या जवाब देंगे सरकार को, क्या करते हैं, क्या पूरा मामला है। तो मेरे पास आए और हम बात करते हैं यहाँ ग्राम प्रधान से, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। किस गाँव के प्रधान है? अच्छा ये बताइएगा कि अभी तक आपने गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए आपने? अभी इंटरलॉकिंग करवाई है। ये इंटरलॉक कितने दिन पहले डाला गया है? करीब एक महीना हो गया। एक महीना हो गया, एक महीने में अभी ये मानक विहीन कार है, आपने इंटरलॉकिंग रोड डाला, कहीं भी रोड का नजर ही नहीं आ रहा कि रोड आपने डाला है, गंदगी का तंबाल लगा हुआ है, बीमारी दस्तक दिलवा रहे हैं आप, सफाई कर्मचारी कितने गाँव में? एक सफाई कितने दिनों में होती है? सफाई का एक कर्मचारी, बड़ा गाँव है तो अकेले थोड़ी कर पाएगा, नहीं कर सकता। तो ये जो रोड डाला गया है तो इस रोड की ये कंडीशन जो आप बता रहे हैं, क्या ये रोड आपको तो सही डाला गया है? ये गलत गलत है, मानते हैं आप इस बात को? गांव के लोग जो नाराजगी दिखा रहे हैं इनका नाराजगी होना जायज है? नहीं जायज। तो फिर ये काम ऐसा क्यों कराया आपने? कराया क्या बात ये थी कि यहाँ भर गया था पानी जी कैमरे, हाँ इसमें जो है अड्डे हमने डलवा दिए, अड्डे पूरे निकल नहीं पाए, उस चक्कर में यहाँ ऊंचा हो गया, पीछे खाली हो गया। ये कितने दिनों में काम होगा? देख सकते हैं इनके घरों में पानी भरा हुआ है, समस्या समझ रहे हैं। मैंने कई बार पहली बात तो रोड बनने के पहले दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ एजिंग बनती है, एजिंग का मतलब होता है आपका? लॉन्ग श्री। कहाँ रहने वाली है? कौन सा गाँव है ये? नवादपुर। अच्छा क्या मामला है, किस बात को लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत है रोड को लेके? अब रोड का हम पीछे डारो है रोड है, हमने को ऊंचाई करके ले जाओ तब पानी निकली, तो ई मान ले तो कहें हाँ हम डरा देवे, हम पूरे दिन बैठ रहे हैं दिना, पूरे दिन हम इनते कहते रहे लाला देखो रोड गलत डर रहो, तो 50 आदमी देखे वाला आओ तो जा कौन नहीं कहती नहीं जो रोड गलत डर रहो। अच्छा रोड गलत किस तरीके से डाल दे, क्या दिक्कत आ गई? जो गलत डर दिन जो पानी
मार कच्ची दीवार ही है, अब पानी भरो टांकन तो या दीवार गिरी की ना गिरी है। कहने मतलब है कि जो रोड डाला गया है उसमें गड्ढा ऐसा हो गया है, गड्ढा होगा छोरा और समा दे भैया एक दिन पक्की बनी है और देख लो जाकर पूरी एक दिन छूट गया है, एक गुम्मा एक दिन में नहीं लगू। अरे तो अब क्या चाहती है आप? अब जो चाहते हमारी लंका रोड नहीं करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो रोड बैठ गया है उसकी मरम्मत हो जाए, मतलब कहने मतलब और जो मैदेवाल में पानी ना भरे।